चलिए आज हम लोग एक इकोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हर बार क्वेश्चन उससे पूछा भी जाता है, और मैं इसको याद करने का लॉजिक भी बताऊंगा कि कैसे वो जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक ही लॉजिक में कैसे आ जाएगा। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी चीजों को तुम्हें बताऊंगा, और वो जो लॉजिक बताऊंगा मैं उसी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इवन इस ईयर जो क्वेश्चन आया था वो भी उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आजकल जो हमारा मेनली जो कंसर्न है वो पोल्यूशन का ही है। इवन दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन का ही कंसर्न है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन चल ही रहा है तो इसकी पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, तो ये पूछ सकता है मतलब। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत ही एनालिटिकल एंड शॉर्ट ढंग से बताऊंगा, मतलब आप कैसे समझोगे किसी कंसेप्ट को, समझना कैसे। देखो कंसेप्ट को ना आप दो तरह से समझ सकते हो। एक तो वो जो बुक लिख रही है उसके उसके उस चीजों को पढ़ो और रट लो, और एक दूसरा कंसेप्ट होता है कि जब तुमने बुक पढ़ी तो उससे तुमने समझा क्या है, क्या समझा, किस वे में समझा, जो उसके मेन पॉइंट्स थे उनमें से तुमने क्या एक्सट्रैक्ट किया, मतलब जो चीजें तुमने पढ़ी है उससे एक्सट्रैक्ट क्या किया। देखिए पढ़ना या पढ़ने तो सभी है, लेकिन आप उससे क्या समझते हो, क्या एक्सट्रैक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेलिजेंसी भी इसी पर डिपेंड करती है। जैसे आपको कोई कोई काम कर दे करने के लिए, तो आपने जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को किस ढंग से लिया है, क्या एक्सट्रैक्ट किया है। देखिए बुक तो सभी पढ़ते हैं और हर चीज हर जगह लिखी हुई है, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा के और ये सब करके वो सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन उससे फिर वो शो नहीं होगा कि हमने क्या समझा था सब्जेक्ट से। तो हमारा सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन इधर उधर की चीजें करना। अगर सीधा मैं लिख देता या बोर्ड वगैरह की कोई चीज लिख के अगर बता देता, तो उससे ज्यादा आपको ज्यादा वो आपको यूजफुल नहीं होगा। तो हम आप समझते हैं कि मैं आपको बहुत ही इजी ढंग से बताता हूँ कि ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग है क्या। पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एक्चुअल में जो ग्रीन हाउसेस होते हैं ना, तो बेसिकली लेबोरेटरीज वगैरह में बनाई जाती है, जहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं वो वहाँ पे ग्रीन हाउसेस बहुत ज्यादा बनाया जाता है। तो ग्रीन हाउस बनाने का पर्पज ये था कि मान लीजिए सर्दियों में विंटर सीजन में बहुत ज्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता, तो और किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। जैसे टोमेटोज हो गया या टेम्परेट जो क्रॉप्स होती हैं जिनको टेम्परेचर जिन जिन क्रॉप्स को टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है, और हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो साइंटिस्ट या लोग या रिसर्च लेबोरेटरी में ऐसे ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं जिसमें क्या होती है कि लाइट इंटर तो करती है, लाइट इंटर तो करेगी, लेकिन क्या होगा उससे जो प्रोड्यूस होगी हीट, हीट बाहर नहीं जाएगी। तो भले ही जो आउटसाइड ग्रीन हाउस के टेम्परेचर लो हो, लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो काफी अच्छा होगा, काफी ऑप्टिमम होगा, जिससे कि एक प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। ऐसे ही अर्थ भी हमारा एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये कहा जाता है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ अर्थ की जो चीजें हैं वो फ्रोजन हो जाएंगी, वो टेम्परेचर हमारा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो जैसे 15 डिग्री के करीब बना रहता है, वो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। इसका मतलब ग्रीन हाउस यूजफुल है हमारे लिए, लेकिन यूजफुल कब तक है ये हम लोग अभी देखेंगे आगे कि कब तक हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो कहता है बेसिकली, अगर हम समझे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है जिसमें क्या होगा, लाइट तो अंदर आए लेकिन लाइट से जो प्रोड्यूस हीट है वो बाहर ना जाए, ठीक है। अब आप ये समझिए, ऐसी वेव्स जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, माइक्रोवेव वगैरह, अगर वो अगर हमारे अर्थ पे जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी, तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी, तो ज्यादा मतलब कि हीटनेस ज्यादा होगी। तो ये सब डिपेंड करेगा कि किस तरह की वेव्स आ रही है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे कहते हैं कि जिसमें लाइट इंटर तो करे लेकिन जो उससे प्रोड्यूस एनर्जी है वो एस्केप ना करे। जनरली जब से हमारा जो अर्थ है वो ओपन सिस्टम है, तो जब उससे जब जब लाइट आती है और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एस्केप कर जाती है, एटमोस्फियर में चली जाती है, ठीक है कि नहीं। तो उससे ज्यादा हमें इफेक्ट नहीं पड़ता, मेंटेन रहता है, लेकिन कुछ जो पोर्शन होता है उसका एब्जॉर्ब किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू। तो ग्रीन हाउस गैसेस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो एब्जॉर्ब करती है हीट को तो वो टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देती है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर यही ग्रीन हाउसेस एक लिमिटेड अमाउंट में ही तो होंगी, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसेंट्रेशन है, अमाउंट है, अगर लिमिटेड है, मतलब कि विद इन अ रेंज है, तब तो ठीक है। अगर वो रेंज को क्रॉस किया,
मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ जिससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसें निकली, तो आप सीधा सीधा समझिए कि उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा, और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और जब टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो वही ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आइस मेल्ट करेगा, और मेल्ट करेगा तो फ्लड और ये सब आएंगे, तो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो सब आएंगे। और आज का जो कंसर्न है बहुत है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिससे ग्रीन हाउसेस गैसेज भी बढ़ रही है, और अल्टीमेटली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो मैंने आपको बताया, तो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब देखिए हमें आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए कि हमारा ओजोन लेयर है, मैं ओजोन लेयर का आपके बारे में आपको बताता हूं। ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर होती है जो भी हार्मफुल रेज होती है उनको प्रिवेंट करता है, उनको रोक देता है, ठीक है, इनहिबिट करता है टू एंटर इनटू अर्थ, मतलब अर्थ के वो आने नहीं देता, जो बेसिकली यूजफुल होती है वही वो आने देता है। देखिए अब ये कैसे ग्रीन हाउस गैसेस इसको इफेक्ट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो ओजोन ये है, अब ये पूछा जाता है कि बताइए ओजोन किस स्फीयर में पाया जाता है, तो भैया ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर। अभी मैं इसके लिए लॉजिक आपको बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, बस आप कंसेप्ट समझो कि क्या कह रहा है। तो ये सिर्फ क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि 30% रेस को तो वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो जो भी रेस यहाँ पे आ रही है, जो भी रेस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नाम दिया गया था वो बेसिकली दिया गया था ग्रीन हाउसेस से। तो अगर ग्रीन हाउस को मैं एक्सप्लेन करूं आपको तो ये हुआ, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट is basically a effect in which heat produced by light will not escape from earth, ठीक है, तो अर्थ से वो बाहर नहीं जा सकती, या आप इसी को कह सकते हो कि हीट जो होगी, हीट प्रोड्यूस नॉट एस्केप्ड फ्रॉम ग्रीन हाउस तो ग्रीन हाउस से एस्केप नहीं करेगी, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बेसिकली बताने का मतलब यह है। और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो क्या होगा कि लाइट आएगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट प्रोड्यूस को मतलब इसकी वहां से नहीं हो पाएगी, वो ट्रैक कर ली जाएगी, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो अर्थ का हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा कहते हैं कि 15 डिग्री के करीब है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा यूजफुल होता है, लेकिन अब रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए ना, ग्रीन हाउस गैसेस का रोल देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहां बताने का मेरा जो मतलब था, ये हमारा है ओजोन लेयर, ठीक है, और बच्चों ओजोन लेयर जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज बनाती है, कि अल्ट्रावायलेट रेज ही ओजोन लेयर को बनाती है, तो ये जो हार्मफुल रेज होती है अल्ट्रावायलेट एक्स रेज, बहुत सारे रेज को रोक लेता है, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़े थे कि अगर हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ओजोन के साथ क्या होगा, देखिए जब ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना वो ओजोन को भी इफेक्ट करेगा, वो कैसे करेगा अभी मैं बताता हूँ। तो ये है, वो रोक लेगा, तो जो भी लाइट यहाँ अर्थ पे हमारी आती है, जो हीट प्रोड्यूस करती है वो ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा ट्रैप कर ली जाती है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होता है, टेम्परेचर वहां का बढ़ जाता है, ठीक है। अगर अब सुन लो, इसका मतलब जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी टेम्परेचर उतना ज्यादा ट्रैप होगा, और जितना ज्यादा ट्रैप होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, कि जो एक ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं उसमें लाइट तो इंटर करती है, लेकिन जो उससे हीट प्रोड्यूस होती है वो बाहर नहीं जाती, तो अल्टीमेटली उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, भले ही उसके बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, तो उसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। और दिस इज बेसिकली अकर बाय the special types of gases, the greenhouse gases present at that particular area, या greenhouse
तो अब ये तुमसे ये पूछ भी सकता है कि ये बताइए कि भाई जो हीट है, अगर हीट को कोई लेने वाला नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं से स्केप कर जाएगी, तो इसका मतलब वहां कोई है जो हीट को ट्रैप कर रहा है, और कौन है वो? वो ग्रीन हाउस गैसेस है, वो ग्रीन हाउस गैसेस है जो ट्रैप कर लेंगे टेम्परेचर को, और अल्टीमेटली वो अर्थ के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है। अब हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, तो देखिए आप समझते जाइए, ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अब हुआ क्या इसमें, अब हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है कि जैसे मेनली क्या है, CO2 होता है, ठीक, CH4 होता है, CFC होता है जो NCERT दे रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये वाटर वेपर भी होता है, फ्रॉम माई नॉलेज वाटर वेपर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन हम वो भी ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, वो बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, और ये तो बच्चों सिंपल सा मतलब है कि अगर जितना ज्यादा हम पोल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी, और जितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी उतना ज्यादा वो टेम्परेचर को क्या करेंगी, ट्रैप करेंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के, उतना ज्यादा ट्रैप करेंगे और उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली जब ये ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा पोल्यूशन के थ्रू ज्यादा निकलती है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल वो इफेक्ट करेंगी, मतलब ओजोन लेयर को भी वो इफेक्ट करेंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका परसेंटेज कितना होता है, तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि इसका परसेंटेज क्या है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके बाद कितना आ रहा है, ये हम इसको 0 मानते हैं, तो 0 हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया। अब ये सी से ये है, ये 20% है। अब ये CFC है, सी मतलब ये कपल, तो पूछा जाए कि आप कपल किसी पर्टिकुलर डेट को बनते हो या कपल, तो आप बोलते हो पर्टिकुलर डेट जो है दैट इज कॉल 14, तो ये 14% होगा, और जो बचा है दैट इज कॉल 6% होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 60% होता है, मेथेन 20%। देखो आज का मैं बता दूं, आज इस समय सबसे ज्यादा मेथेन को ही रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो रही है क्योंकि ये यूटिलाइज भी हो जाती है प्लांट से, मेथेन को खूब रिलीज हो रहा है, किसी भी चीज से मेथेन बहुत ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो जो इसका मतलब ये है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। अब आप किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करो या कुछ भी चीज चलाओगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो समझ लो कि ग्रीन हाउस गैस ज्यादा निकल रही है, और जब ग्रीन हाउस गैस ज्यादा निकल रही है तो ज्यादा एनर्जी को ट्रैप करेगी, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस विच हेल्प टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब एक इसमें एक देख लो कि ये CFC है, जो जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन जो एटम होता है वो इनहिबिट करता है या डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब या इफेक्ट करता है ओजोन लेयर फॉर्मेशन को, ओजोन लेयर फॉर्मेशन को। एक्चुअल में क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रे ओजोन O2 ऑक्सीजन को तोड़ देता है OI9 में, ये इससे साथ कंबाइन करके O3 बना देता है। देखो ओजोन अगर हमारे ट्रोपोस्फीयर में जहां पे हम रहते हैं तो वहां भी आ जाए तो वो होगा, लेकिन अगर क्लोरीन होगा तो ये CLO बना लेगा, जो फ्री ऑक्सीजन निकलेगा उसके साथ वो CLO बना लेगा, तो वो ओजोन बनाने में। तो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा एलिमेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, तो इससे क्या होगा, ओजोन क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, डिप्लीट अगर फॉर्मेशन नहीं होगा, इसी डिप्लीशन को बोलते हैं ओजोन होल, ठीक है, इसी को ओजोन होल बोलते हैं। देखो ओजोन लेयर का पतला होना ही ओजोन होल कहलाता है, वो अलग से है ना कि कोई होल बन जाए उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओजोन लेयर का जो पतला होना होता है, थिन होना ओजोन लेयर का, वही ओजोन होल कहलाता है, ठीक है। अगर जितना ज्यादा थिन होगा उतनी ज्यादा रेज आएगी, और उतना ज्यादा रेज आएंगी तो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितना हीट प्रोड्यूस होगी और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगी, तो टेम्परेचर और बढ़ता है, हमारा टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो ओजोन लेयर पतली हो रही है, दूसरी क्या होगी, ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस हम निकालोगे, ज्यादा ही प्रोड्यूस होंगी, मतलब रिलीज करेंगे इंडस्ट्रीज या कुछ भी, किसी भी तरह का पोल्यूशन जब निकलेगा ये ग्रीन हाउस गैसेस, तो नॉट इवन ये टेम्परेचर को या हीट को ये ट्रैप करेंगी और टेम्परेचर को बढ़ाएंगी, इवन ये डिप्लीट कर देंगी किसको, ओजोन लेयर को भी, ओजोन लेयर की। अगर पूछा जाए कि कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा डिप्लीट करेगी, तो दैट इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मैंने तुम्हें कहा कि जब ये फ्री ऑक्सीजन बनेगा और
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो O3 बनेगा, लेकिन क्या होगा क्लोरीन के साथ CLO बना देगा तो ओजोन लेयर बनने नहीं देगा। तो ओजोन, देखिए नेचर में हर चीज को रिपेयर होना होता है, हर चीज रिपेयर होती है, तो ये रिपेयर नहीं हो जाएगी, तो वहां से वो थिन हो जाएगी। जब थिन होगी तो बहुत और जो रेज रुक रही थी वो बहुत ज्यादा अर्थ पे आएगी, जब बहुत ज्यादा अर्थ पे आएगी तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो इसको ट्रैप करेंगी और हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है विच आर इन्वॉल्व इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ये वाटर वेपर को भी याद रखना कि दे आर इंक्लूडेड इन, इट इज इंक्लूडेड इन अ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अब देखिए, अब मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं, लाइट ने हीट प्रोड्यूस किया, हीट प्रोड्यूस और इसको ट्रैप कौन कर लेता है, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, और वो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, आइस और ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर्स ऑफ आइस, वो क्या होंगे, मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करेंगे तो क्या होगी, उससे फ्लड वगैरह आएगी, फ्लड। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबल वार्मिंग, या सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहें कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो जो ग्रीन हाउस गैसेस जितना टेम्परेचर बढ़ाती हैं, तो जितना जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स है या आइस जहां भी रिजर्व है वो मेल्ट करना शुरू होगी, और जब मेल्ट करेगी तो वो कहां आएगी, पानी एज ए सोर्स ऑफ वाटर आएगी और वो समुद्र में या सी वगैरह में जाएगी, तो जो कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे रहने वाले हैं तो वो फ्लड कॉज करेगी। ये जितने भी डिजास्टर जो आ रहे हैं हम लोगों के, तूफान वगैरह आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब का गर्म होना, ग्लोब मतलब अर्थ को गर्म होना, और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी आइस रिजर्व है वो मेल्ट करेगी। बोला जाता है कि अंटार्कटिका वगैरह में जो आइस है वो बहुत ज्यादा लेवल में मेल्ट कर रही है, ठीक है, तो ओबियस बात है कि वाटर लेवल बढ़ेगा, और जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो भी कोस्टल एरियाज में है वहां पे वो मतलब वो धीरे धीरे डूबते जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो बहुत ज्यादा कंसर्न है भी, तो इसका इसका देखो मेन रीजन तो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है। इसका मतलब जितना कम हम ग्रीन हाउस गैसेस निकालेंगे उतना कम टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, ठीक है। तो बेसिकली तो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और वही लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है। अब हम लोग उस लॉजिक की बात करते हैं जिससे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक प्लीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक। जितना भी मैंने पढ़ाया है एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जो ओजोन लेयर है वो हार्मफुल जो रेडिएशन होता है उसको रोकता है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस निकालेंगे तो ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करेंगे और बहुत ज्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगी, हीट यहाँ पे बनी रहेगी, वो एस्केप नहीं हो पाएगी अर्थ से, तो बनी रहेगी, तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और आइस वगैरह मेल्ट बना देंगे। तो अब हम लोग लॉजिक की बात करते हैं, तो लॉजिक कहता है थोड़ा सा वैसा है ये, ओ जाने जाना इसका है, ओ जाने जाना 16 सितंबर की शाम को डीयू आ जाना एंड पनीर मोमोस खा के कैनेडा चले जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सिर्फ एक रिमेम्बर करने के लिए बनाया गया है लॉजिक, जिससे कि आपको सारी चीजें, आप देखना कि इसमें सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। देखिए ओ जाने जाना तो हम ओजोन को बोलेंगे, ठीक है, ओजोन लेयर को बोलेंगे। अगर पूछा ये क्या बताएगा, ये बताएगा ओजोन डे को, कि आप ओजोन डे कब मनाते हो, ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो हम मनाते हैं 16 सितंबर। शाम का मतलब होगा किस स्फीयर में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, शाम का होगा मतलब क्या, स्ट्रेटोस्फीयर। ये बच्चों जो अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, ये इसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, डीयू मतलब डॉप्सन यूनिट, और ये इसको रिप्रेजेंट करती है ओजोन डिप्लीशन को, कि कितना ओजोन पतली हुई है, किसके फॉर्म में आप बताओगे, जैसे होता है ना फोर्स का न्यूटन, वैसे ही ये है,
ठीक है, ये होगा प्रोटोकॉल। तो पूछा जाए कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करते हो इसको बचाने के लिए, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो क्या करोगे, दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन सा प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक क्योटो प्रोटोकॉल भी होता है, ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक, कहां साइन किया गया, तो कनाडा। तो कहां साइन किया गया था भैया, कनाडा में। चले जा, सी मतलब होता है क्लोरीन, और इसका मतलब कि द एलिमेंट विच आर इन्वॉल्व, सी मतलब होता है चले जाने, मतलब क्लोरीन। तो कौन सा एलिमेंट है जो ओजोन डिप्लीशन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो लॉजिक ये कहता है कि ओजोन डे कब मनाया जाएगा, तुमसे पूछा जाए 16 सितंबर को। किस स्फीयर में ओजोन पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। उसके डिप्लीशन की यूनिट क्या है, डीयू है, दैट इज कॉल्ड डॉप्सन यूनिट। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल उसके लिए बना, ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए क्या प्रोटोकॉल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल। अब आपको कुछ है कहां साइन किया गया था, तो ये कनाडा में साइन किया गया था। और किस एलिमेंट की वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, तो वो कौन से एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन। अब इस लॉजिक को आप याद रखिए, आप देखिए, आप हर बार इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ये खुद का बनाया हुआ लॉजिक है और इससे आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज। इस बार डीयू पूछा है तो हो सकता है अगली बार स्ट्रेटोस्फीयर पूछ ले। इससे पहले जो पूछा गया था, आप जानते हो कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, वो सब आपको प्रोटोकॉल भी पूछ लेता है। आप क्योटो प्रोटोकॉल की वजह से हमें ये बनाना पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता था, तो ये हो गया। अब किस एलिमेंट की वजह से सबसे ज्यादा होता है ओजोन डिप्लीशन, दैट इज क्लोरीन, और ये कहां साइन किया गया था, तो ये कनाडा है। ठीक है, तो इस लॉजिक को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।